इलाहाबाद गौसनगर जेके आशियाना कॉलोनी के बाढ़ के पानी को देखते हुए लोगों ने मदद की गुहार लगाई। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को देखते हुए IMI जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम ने IMIM के पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया। फतेहपुर जिला प्रभारी को बुलाया। स्थानीय लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप करते हुए एक निर्णय फैसला लिया। सभी लोगों की मदद से बोर्ड द्वारा घर घर खाना पानी दवाएं पहुंचाई गई। लोगों ने IMIM सांसद सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का शुक्रिया अदा किया। पावर ऑफ जनाधिकारी उच्च ब्यूरो चीफ प्रयागराज बाजी दली की रिपोर्ट। इलाहाबाद प्रयागराज। सभी लोगों को सेहत से नवाजे। देखिए आप देखिए जरा सा कहां कहां नाव जा रही है। कितनी देर से ये बोट चल रहा है देख लीजिए। अरे उनको बनाइए, पानी दिया जा रहा है। देखिए पानी भी दिया जा रहा है, उनको पूरी सब्जी भी दी जा रही है। हाँ, सुबह का नाश्ता भी दिया गया, दोपहर का खाना भी, रात का खाना बन रहा है। रात में 11 बजे 12 बजे रात का खाना बांटा जाता है बोर्ड के ऊपर। मोहम्मद शाह आलम साहब के जानिब से गरीबों को खाना बांटा जा रहा है। ये हमारी माँ बहनें आई हैं। आप बताइए आपको क्या परेशानी है यहाँ पे? दो मिनट के लिए अरे 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। देखिए ये बूढ़ी, उनकी उम्र लगभग 65 से 70 साल है। 72 साल पर अपनी उम्र बता रही है, किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा मदद के लिए, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा। यहाँ मेरे भाई खड़े हैं, ये मेरे भाई हैं। इधर से करीब आ जाइए भाई साहब, इधर से करीब आ जाइए आप। भैया मदद नहीं मिल रही है, जो गुहार लगा रहे हैं। देखिए चिल्ला के यहाँ के बेचारे हमदर्द लोग कह रहे हैं, आइए पानी ले लीजिए, आइए खाना ले लीजिए। हाँ, आइए पानी ले लीजिए, आइए खाना ले लीजिए। यहाँ के लोगों की हमदर्दी देखिए, एक मोहब्बत देखिए। भूखे को खाना खिलाने के लिए यहाँ पे लोग अपने बोर्ड के ऊपर अपनी जान हथेली भी लेकर के आए हुए हैं। देख लीजिए जरा। आप देखिए खाने किस तरीके से यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। देखिए खाना वहाँ पे किस तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। गाट खोला, गाट को खाना लटकाने के लिए उन्होंने बाल्टी फेंकी। वो का बाल्टी संजो की देखिए किस्मत कैसे धोखा दे रही है। बाल्टी का बंधन भी उनका टूटा, मगर देखिए यहाँ के नाव वालों ने कितनी अच्छी मदद किया कि तार को बांध करके खाना पहुँचाया। देखिए खाना भी जा रहा है, साथ में पानी भी जा रहा है। मोहम्मद शाह आलम जिला अध्यक्ष इलाहाबाद के हैं, उनके द्वारा ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। कितनी राहत महसूस मिल रही है लोगों को। आइए देखिए यहाँ पे चचा हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। ये चचा हमारे बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हुए हैं जी। देखिए किस तरीके से ये जो खाना बांट रहे हैं, जो बोट के ऊपर बैठे हुए हैं, जो बोट चला रहे हैं और जिनके जरिए खाना बट रहा है, किस तरीके से दिल से दुआ निकल रही है इनके, क्या किस तरीके से दिल से दुआ दे रहे हैं। भैया जी समझा। अभी नाव आगे बढ़ेगी, देखते जाइएगा नाव किस तरीके से। देख लीजिए सामने, अरे आप उधर बात कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं आप। ये देखिए घर पूरा का पूरा डूबा पड़ा हुआ है, समझा, घर पूरा का पूरा डूबा पड़ा हुआ है।
अब देखिए ये सामने एक से ये सामने गेट है, डॉक्टर सूफी मोहम्मद मूसा, डॉक्टर अयूब जान, डॉक्टर महफूज हैं, जे के आशियाना कॉलोनी वो लिखी हुई है सामने। देखिए यहाँ पे क्या हाल बुरा है, बाप रे बाप जी जी। बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ हूँ, पावर ऑफ जनाधिकार का पत्रकार वाजिद अली, जेके आशियाना कॉलोनी में पानी का जल भराव आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे लोगों की दिक्कतें हैं, पानी का जल भराव को देखते हुए यहाँ के लोग अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। एमआईएम के ज़िला प्रयागराज ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम साहब के द्वारा लोगों की मदद भी इसमें शामिल है, इनके द्वारा घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी के बोतल पहुंचाई जा रही है, मरीज़ों को दवाएं पहुंचाई जा रही है। आप देख लीजिए कि किस तरीके से प्रशासन का मामला सामने आ रहा है, प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई मदद अभी यहाँ पर नहीं आई है, लोग परेशान हैं। उनकी परेशानियों को देखते हुए हम ये सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ज़िला प्रशासन यहाँ पर आकर के एक नज़ारा यहाँ का देखते तो शायद उनके दर्द में दर्द का एहसास होता कि यहाँ की समस्या कितनी बुरी तरीके से है। लोगों का घर 5.5 फीट पानी लोगों के घर के अंदर डूबा हुआ है, लोग अपने छतों के ऊपर अपना आशियाना बनाए हुए हैं फिर भी डर रहे हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि मकान कहीं हमारा गिर जाए और हम अपनी जान से हाथ खो बैठे। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, उन लोगों से खास करके अपील करता हूँ कि जो बेचारे इस मकान के अंदर फंसे हुए हैं, वो वेबसाइट द्वारा लोगों से मदद मांगी जा रही है और लोग बोर्ड के ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए निकले हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि पावर ऑफ जनाधिकार के पत्रकार लोगों का मकान डूबा पड़ा हुआ है, लोग भूख से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं, सरकार कह रही है पानी में उतर कर करके आगे ले लीजिए, बताइए पानी में उतर के कोई आगे ला दे, पानी में उतर के कोई आगे खाना पीना लेगा, समझा 6-6 फीट पानी यहाँ पे है, हाँ एक मंजिला मकान लोगों को डूबा पड़ा हुआ है, एक मंजिला मकान लोगों के यहाँ पे डूबा पड़ा हुआ है। मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ जो बेचारे काम कर रहे हैं, देखिए पानी दिया जा रहा है यहाँ पे, खाना दिया जा रहा है यहाँ पे, पानी देखिए खाना दिया जा रहा है लोगों को, कोई भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना दिया जाए, कोई भूखा नहीं रहेगा ना, थोड़ा ना आगे बढ़ाइए, सबको आगे बढ़ाइए, हाँ इधर दिया जा रहा है उसको बनाइए, हाँ बेटा ये बताइए यहाँ पे कोई मदद के लिए आया, यहाँ तक नाव पहुँच ही नहीं पा रही, यहाँ पर
ये कौन बंटवा रहा है खाना? मोहम्मद शाह आलम। मोहम्मद शाह आलम सुबह भी बंटवा रहे हैं, शाम को भी बंटवा रहे हैं, क्या उनके बारे में क्या कहेंगे मोहम्मद शाह आलम के बारे में? बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे नाव नहीं पक पा रही, यहाँ पे आके पानी खाना हम लोग को दे रहे हैं, अच्छी बात है। अल्लाह ही उनको और लंबी उम्र दे। आप बताइए, आप मेरी बहन हैं। जी भैया, बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, आदमी जो फंसे हुए उनके लिए मदद कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग। जो भी है शाह आलम आप हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। खाने के लिए देखिए, जिला अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष, MIM के प्रयागराज जिला अध्यक्ष ने किस तरीके से दिल खोल करके लोगों के ताउन से लोगों की मदद किया है, देख लीजिए आप। लोग किस कदर कैसे बेचारे खाना लेने के लिए परेशान है, देख लीजिए आप कैसे खाना लेने के लिए परेशान है। सबको खाना मिल रहा है, समझा? हाँ चलिए, सब कुछ बांटने आए हैं। अरे इधर देखिए, सब कुछ बांटने आए हैं, मगर सर क्या कह रही हैं यहाँ के लोग? पानी में उतर के आइए लीजिए, पानी में उतर के अगर लेना हो को तो आपसे क्यों लेंगे? वो कहीं जा करके अपने होटलों से खाना ले लेंगे, अपने रिश्तेदारों से खाना ले लेंगे, समझा? बोर्ड आप ले करके चल रहे हैं और कह रहे हैं खाना आप पानी में उतर के लीजिए। हाँ एक मिनट रुक जाइए, आप तेल मांग रहे थे, हम बुढ़ी औरत हम तेल मांग रहे थे, बुढ़ी औरत, तो कहे ये तो खैरात है आप लीजिएगा। हमने कहा सरकार की खैरात लेने के लिए हम आगे बैठे में, मगर जब खैर सरकार दे ना सारा तेल वापस लेगा। बुढ़ी हम, हमारी बहू में बेटे सब यहाँ नहीं, अकेले 72 साल के बैठे में, जबकि हमने व्हाट्सअप पे अपनी न्यूज दिया है पूरी तस्वीर समेत, और उसने हमको तेल नहीं दिया बल्कि हम लोग का अपमान किया। 72 साल की उम्र में हम लोग आँख में आंसू ले के हट गए। ये हमारी सरकार है, ये वोट के हकदार है। ये आप कहाँ रहती हैं? 142/3 गौस नगर करैली इलाहाबाद। मेरा नाम है मेहर जहाँ, मेहर जहाँ। बहुत दुख है, देखा इनकी जब हम देखा तक एक नहीं दिया, 32 बची है, एक भी नहीं दिया। देखिए यहाँ पे लोग किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से यहाँ पे लोग रो रहे हैं। ये आवाज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और मैं इंशाअल्लाह रहमान सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। पावर अब जाने अधिकार के साथ पत्रकार वाजिद अली बोर्ड के अंदर बैठा हुआ है, अब बोर्ड के अंदर सारे नज़ारा देख रहा है। देखिए इनकी भी बात सुनिए, ये क्या कहती हैं। अब परसों नरसों आए थे, बोले कि ये दान दे रहे हैं, आपको लेना है तो ले लीजिए, आइए उतर के पानी में इस तरफ, तो लेना है तो ले लीजिए। तो बोले भाई अब अभी ये दान नहीं दे रहे हैं, ये राहत सामग्री है, राहत कोष से आया हम लोग के लिए, आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने बदतमीजी की, फिर चले गए। पत्रकार वाजिद अली अपने जान पे खेलते हुए बोर्ड पे जो भी लोग हैं वो सभी लोग एक रिक्स के ऊपर हैं, रिक्स ले रहे हैं, और रिक्स लेते हुए लोगों की समस्या को समाधान कर रहे हैं। और ये देखिए ये लड़की क्या कह रही है यहाँ पर, हाँ पानी की परेशानी है, हाँ किस कदर वाटर प्रॉब्लम यहाँ पर है, और पानी की समस्याओं को लेकर के यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं। लाइट बेटा यहाँ पे कब से नहीं आई है, उधर कैमरे कीजिए, लाइट यहाँ कब से नहीं आई है, 3-4 दिन से।